मेरे यकीन करो, वास्तव में नहीं है कोई, लेकिन वो मेरी ताकत है, उसी के बूते पे मैं प्रधानमंत्री से पंगा ले लिया, वरना मेरे तो ईडी और इनकम टैक्स और क्या क्या पहुंच जाता अगर मैं कुछ करता। मैं जब किसानों के मामले प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे, क्योंकि वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए हो उनकी वजह से खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिलो। मैं अमित शाह से मिला, उसने कहा सत्ता इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी ना किसी दिन समझ में आ जाए। मैं खापों के पक्ष में हूँ, खापे आज से नहीं है, हर्षवर्धन के ज़माने से हैं, लेकिन खापों को बहुत संभल के काम करना चाहिए, क्योंकि उनके बहुत सारे काम जो हमारा संविधान है या जो हमारी कानून व्यवस्था है उसके विपरीत ना जाए, उनके फैसले ऐसे हों कि जिनको अदालतों में चुनौती ना मिले। लेकिन खाप व्यवस्था रहेगी तो समाज हमारा बना रहेगा। महापंचायत के बारे में जो मुझे बताया गया था उसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे, और किसी ने मतलब अब मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, दिल्ली में भी शिकायत कर दी, सब जगह कर दी, और वो विधायक जी का ऐसा वो रहा लोगों में कि दिल्ली में भी विरोध हो गया, राष्ट्रपति भवन तक बात चली गई। तो मुझे मैं तो जाता अगर उसमें कोई राजनीतिक ओवरटोन्स ना हो। अब उसमें आप एक दिन SYL ले आए, SYL से हमारा क्या मतलब, वो सरकारों के बीच में है, तो ये संभल के करने के काम होते हैं। तो मेरा जाने का ना जाने का मतलब ये नहीं कि मैं उसकी निंदा करता हूँ, वो ठीक हैं, वो करें, फैसले करें, उनके अच्छे फैसलों के मैं साथ रहूँगा, लेकिन मेरा खुद को उससे जोड़ना आज की तारीख में उचित नहीं। अभी चीज़ें रह रही, मुकदमे हैं, वहाँ सरकार को ईमानदारी बरतनी पड़ेगी, और ईमानदारी के साथ वो मुकदमे ख़त्म करने पड़ेंगे। इसी तरह MSP को कानूनी जामा पहनाना पड़ेगा, तो ये तो सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन सरकार अगर ये समझती हो कि आंदोलन ख़त्म हो गया, तो आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है, आंदोलन सिर्फ स्थगित हुआ है। अगर किसानों के साथ अन्याय या जाति होगी तो ये फिर खड़ा हो जाएगा। भाई वो बहुत दुखद घटना है, उस पर मैं मतलब खुद दुखी हूँ, और ये जितने सब खनन करते हैं लोग, ये कोई कायदा कानून मानते नहीं हैं। राजस्थान में देखो पहाड़ के पहाड़ खा गए हैं सब, तो इसकी सही जाँच होनी चाहिए और दोषी आदमी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।